संजय आपके लेफ्ट में, यू नो जैसा कि आपने अभी अभी बताया कि मुन्ना बदनाम ये गाना आने वाला है, हर किसी को इंतजार है क्योंकि मुन्नी बदनाम ये गाना बहुत ही हिट हुआ था एंड नाउ अब मुन्ना, सो कुछ प्रेशर है आपके ऊपर क्योंकि टी सीरीज के सारे गाने हिट होते हैं, सो इस मुन्ना बदनाम को लेकर कुछ प्रेशर है आपके ऊपर? पहले से ही ब्लॉकबस्टर है, आप जब विजुअल देखेंगे और जिस तरीके से गाना भाई ने करवाया, इट्स वेरी वेरी गुड। और अलग किस्म का सेम गाना थोड़ी छापे हम लोग, अलग गाना बनाया, सिर्फ वो मुन्नी बदनाम का मुन्ना बदनाम हुआ, गाना अलग है, टोटली अलग गाना है। सही जी, गुड लक आपके करियर के लिए। आपका फेवरेट एक्टर कौन है अगर आप हमें बता सके? यहीं पे खड़े बाजू में, ये यहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे भी बैठे हैं, करेक्ट, और एक्ट्रेस भी वहाँ पे बैठी है माँ। ओके, जस्ट पास द माइक, हु एल्स? या कैन वी हैव द माइक, गो राइट देयर। प्रभु प्रभु वनकम, इनसे भी तो पूछो इनका फेवरेट एक्टर कौन है। खामोश, எப்படி இருக்கறீங்க பிரபு? எப்படி இருக்கறீங்க? எப்படி இருக்கறீங்க? சௌக்கியமா தானே? நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. ஓகே, who has dubbed Salman's character in Tamil Telugu? யார் டப் பண்ணுங்க? I'm still going on but I forgot the name. He's very good. In fact, I heard a little bit of the dubbing, so I was going to dub it. I was going to dub all the three languages. Oh. So I went to the recording dubbing studio to dub it, and I said one line in Tamil. So the person who was doing my dubbing said, "Very good, sir. Okay, sir again. So one more. No. Okay, sir. Okay. So ye to language bahut simple hai, yaar." Then it went to him to check. He said, "Sir, what language you dubbed in?" I said, "But your guy saying okay. Now what to do? I'll do again." He said, "No, sir. You're sounding like some foreign language only. I am from here. I'm not understanding you." So then we got a voice that was very close to mine to dub the Tamil, then the Telugu, and the Kannada version. Salman, you like dubbing on your face? You like dubbing on your face? I like what? Dubbing on your face. I don't mind it if I can have someone singing for me on my face, so then dubbing. I just don't like people in my face. Salman, आपसे एक सवाल है. अभी अभी बात हुई स्क्रिप्ट की और हीरोइज्म की. तो अगर बात करें टाइगर की और दबंग चुलबुल पांडे की, तो दोनों भले एक अंडरकवर कॉप है, एक पुलिस वाला है, लेकिन दोनों जाबाज हैं, दोनों देश के लिए करते हैं. तो स्क्रिप्ट वाइज और एक्शन वाइज ज्यादा डिफिकल्ट कौन है, चुलबुल पांडे या फिर टाइगर? ये सवाल मैं नहीं आपको दूंगा, ये सवाल आपको मिलेगा मेरे घुटनों से, मेरे पीठ से, मेरी गर्दन से, मेरी कोनियों से, मेरी पसलियों से. ये जवाब आपको वो देंगे कि दोनों ही बड़े कठिन हैं. One second, I'm just giving, yeah. Hi, Sai Tuna from Web Duniya. How are you? I'm good, how are you? आपको देख के अच्छा लग रहा है, you're looking very pretty. Thank you. क्या खाया आपने? Okay, आपसे ये जानना चाहूंगी, इसके पहले जब भी सलमान जी से आप मिलते थे, वो आपके घर पे सपोज आते थे, आप तो क्या नाम से पुकारते थे, और क्या अब आपने उनको सलमान सर बोलना शुरू कर दिया है? मैं हमेशा से ही सलमान सर ही बुलाती थी उन्हें. और कितना कुछ चेंज आता है कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्ट्रेस आती हैं, तो रिलेशनशिप में सीनियर्स के साथ जो आपके पिताजी के दोस्त रहे हैं? जी, इतना चेंज नहीं आता क्योंकि मैं बचपन से उन्हें जानती हूँ, तो हमारा रैपो वही है, लेकिन चेंज तो नहीं आता. हाय सलमान, यो आपके राइट में सुहेल, हाय, कंग्रेचुलेशंस टू यू अरबाज एंड द एंटायर टीम, द ट्रेलर इज सुपर्ब, लाइक एक्सीलेंट. यू लाइक इट? या डेफिनेटली. यू गाइस लाइक द ट्रेलर? या कोई सवाल रिस्पांस दिए नहीं आप लोगों ने. सलमान, जैसे आपने कहा कि अरबाज नर्वस होते हैं, डेफिनेटली एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, लाइक थोड़े नर्वस थे दबंग के वक्त, पर आप भी इतने साल हो गए, people are really very eagerly waiting for this film, to nervousness aapko bhi hota hai, aur ya
आप भी कितने ईगर हैं इस फिल्म को लेकर? I am really excited for this film. I'm waiting for the 20th of December to come. And then more than that, also के the fans हमारी इस फिल्म को you know कितना appreciate करेगी. That is the most important thing. के बहुत सारी बहुत मेहनत गई इस फिल्म के अंदर. बल्कि जितनी मेहनत टाइगर में गई थी और ए था और जितनी भी यू नो जो पहली फिल्म में जो मैंने की है उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत इस फिल्म में गई है. और फ्रॉम द स्टोरी टू यू नो प्रोडक्शन टू डायरेक्शन टू एक्शन टू सॉन्ग्स टू द होल क्रिएटिव जर्नी टू एवरीथिंग इज अ लॉट लॉट ऑफ वर्क दैट्स गॉन इन दिस फिल्म. सोनाक्षी यू आर लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल. सोनाक्षी आपका एक डायलॉग था पहली फिल्म में, थप्पड़ से डर नहीं लगता प्यार से डर लगता, तो इस तरह का कोई डायलॉग इस बार भी हमें कुछ यू नो एक सिग्नेचर जो स्टाइल है आपकी? वो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा. बट जब आप फिल्म एक नहीं काफी है बट स्प्रेड आउट वेल स्प्रेड आउट थ्रू द फिल्म. मेरी कंप्लेंट यही थी अरबाज भाई से और प्रभु सर किससे कि ट्रेलर में नहीं डाला इस बार बट आप फिल्म में देख लेंगे. हाय सलमान, सरिता सिंह हियर. आपको याद होगा जब दबंग नहीं आई थी, ऑन अ लाइटर नोट दिस क्वेश्चन इज, तब मैंने आपसे कहा था कि देश भर में जितने यूपी के पांडे पाठक मिश्रा द्विवेदी चतुर्वेदी सब लोग यहीं पे खड़े हैं हमारे साथ ही खड़े हैं, वो सारे लोग जो है वो अपनी बेटियों की शादी चुलबुल पांडे के लिए रिश्ता भेजना चाहते हैं. और मुझे अब तक आपका वो एक्सप्रेशन याद है जो एक्सप्रेशन आपने दिया था. चुलबुल पांडे की तो शादी हो चुकी है और उनकी सुपर सेक्सी मिसेज यहीं पे खड़ी है उनके बगल में, तो जो कि अभी भी उनकी हबीबी हैं. तो अब बाकी लोगों को पंडितों को क्या जवाब देंगे आप जो अपनी बेटियों का रिश्ता भेज रहे थे, उनके लिए क्या जवाब है आपके पास? आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए वो रिश्ते. चुलबुल पांडे तो गए भाई, गए भाई. सलमान खान अवेलेबल है. थैंक यू. स्टे इन द मिडल. स्टोरी तो हमने काफ़ी टाइम पहले ही लॉक कर दी थी, बट आई वॉज डूइंग सम अदर फिल्म्स एंड देन वी वॉन्टेड टू रियली रियली क्रैक दिस वन. और हमको हीरोइन नहीं मिल रही थी, हीरोइन हमारी थोड़ी छोटी थी, तो वी वेटेड फॉर हर टू ग्रो अप. सलमान जी आपके लेफ्ट में, सलमान जी यू नो मेरे लेफ्ट में सही है, मेरे राइट में सोनाक्षी. ओके, सो आपके ठीक सामने थोड़ा सा लेफ्ट. यू नो सलमान जी, आपके जो सबसे करीबी बॉडीगार्ड हैं शेरा जी, हाल ही में उन्होंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन किया. जय महाराष्ट्र. हाँ, सो आपके चुलबुल अंदाज में, चुलबुल पांडे के अंदाज में कुछ आप विश करना चाहेंगे शेरा जी को, अगर आप, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका विश. हमारे वीडियो के लिए थोड़ा सा वो फुटेज मिल जाएगा, आपको पता है वो मैं आपको क्लिपिंग बना के भेज दूंगा. ओके, आप ही को क्यों सबको. Rajjo is always kicking ass, bro. I don't know what you're talking about. But Rajjo hai dabang mein kyunki wo dabang khud hai. So don't worry, you'll see me doing so lots of stuff. There's a sequel of Akira coming, it's called Fakira. Salman. Hello. You're making it? Hello, hello. Salman here. Salman, aapke left mein, saamne. Salman, with Dabang 3 also, aapne... Kahiye. Ladies first, bhai. और इंडस्ट्री में कम से कम गिनने जाए तो शायद 50 लोगों को आपने इंट्रोड्यूस किया होगा, तो आप फिल्म इंडस्ट्री की मदर टेरेसा हैं क्योंकि आप बहुत लोगों का दुख उठा रहे हैं, बहुत लोगों का घर बसा रहे हैं. बोलिए, बताइए उन्हें. ये काफी लोग, मतलब जब भी कुछ भी ऑन करो तो आप मदर टेरेसा के रूप में सामने होते हैं.
I think Godfather will choose as a better name, and I'm rather than Mother Teresa. Sir. नहीं क्योंकि सबका दुख उठा रहे हैं ना like कितने लोग videos डालते हैं कि हमारा घर बसा दिया. ये सवाल ये जो आपने पूछा है ये खुद में जवाब था और ऐसा बिल्कुल नहीं. इससे बेटर सवाल मैं आपको देता हूँ इस वक्त जिससे मैं बहुत इरिटेट होता हूँ मैं आपको देता हूँ. ये सवाल छोड़िए ये पूछिए आप मुझसे कि आप शादी कब करोगे. अच्छा पहले आप इसका जवाब दे दीजिए प्लीज. हेलो पहले इसका जवाब दे दीजिए ना मुझसे शादी करोगे क्या. अच्छा आपका ना हुक स्टेप है लाइक सलमान जी आपका एक बहुत अच्छा फेमस स्टेप रहा है हमका पीली है तो इसमें कोई नया स्टेप देखने को मिलेगा. अभी टाइम है उसके लिए टाइम है अभी इतनी जल्दी पीनी आपको. सलमान हियर ऑन योर लेफ्ट. सलमान दबंग 3 के साथ आपने रिसेंटली यू अनाउंस्ड योर नेक्स्ट फिल्म आल्सो सो वाज देयर एनी स्पेशल रीजन दैट यू अनाउंस्ड इट राइट विद दबंग 3 और वाज इट जस्ट टू ब्लॉक योर फेवरेट. नो सो वी इफ यू हैव अनाउंस्ड राधे ऑन इट्स ओन फिर वो दबंग यू नो सडनली गॉन राधे 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 एंड दबंग वुड हैव यू नो बी थोड़ा सा पीछे आ जाता है. तो दबंग से स्टार्ट किया और राधे पर हमने जाके फिनिश किया. The name was actually in Tere Naam, and then after that we used the same name in Wanted, but this is a completely different film altogether. It's got nothing to do with Wanted. Agar aap bolna chahein, agar wo format mein jaye, to ye Wanted ka baap hai. Hi, Prerna here from South. And I'm going to finish with one question. Yeah, right there. Madhsa, Prashno, my question goes to Vasai. Sai, mala Marathi. Vasai nahi, Sai. Fakt Sai. सई तुला प्रश्न आहे की आता सलमान सोबतचा अनुभव तू सांगितला असशीलच मात्र सलमान सोबत मराठी सिनेमा करायला आवडेल का तुला. और केले मी सई सोबत त्यांनी केलंय मला तर खूप आवडेल करायला. आणि दबंग मध्ये कशा पद्धतीचा डायलॉग्स असतील तुझे. मराठीत कोणते पण नाही आहेत. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमेन थँक्यू. Arif, see, we were fighting every first, day. The first one was Abhinav. Second one, I directed. There had been a long gap. There was a lot happening around the time that, you know, so we were working on something. We wanted a fresh look and it helps the franchise, you know. So when you get somebody new on to look at it differently because you're continuously on the project, you lose some kind of perspective. Who better than Prabhu sir to come on board and to, you know, take it to a next level? And he has really done that. You know, this film is like way ahead in terms of its mounting and presentation and everything. So hats off to Prabhu sir. Thank you very much for taking Dabang, our very loved franchise, and you know, taking it to the next level. And also he's become really busy now. He's working more than all of us are working. Yeah. We had date problems with Makki's character. Makki kahi south mein hai. Makki is doing a film there in Kerala. Makki is doing some show. Makki is everywhere. Web series bhi chal rahi hai. Same characters, the same film is being carried forward.